अब में से कई लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज मुझे पूछते रहते हैं कि राजस्थान में जो हमारा थार डेजर्ट है उसे हम पूरी तरीके से सोलर पैनल से क्यों कवर नहीं कर देते। इसके वजह से देश की पूरी बिजली की समस्या सॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट भारत इतनी ज्यादा बिजली बना सकता है कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हुए बड़े पैमाने पर अच्छे खासे पैसे कमा सकता है और कई सारे दूसरे सॉल्यूशंस भी इसकी वजह से मिल जाएंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसी कोई चीज कर पाना मुमकिन है? प्रैक्टिकली क्या ये फिजिबल है? क्या इसके फाइनेंसिस ठीक से बैठते हैं? इन चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती और ये सवालों के जवाब आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन आज इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे। इस वीडियो के मेनली दो सेक्शंस होंगे। पहले हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देखेंगे जहां पर अगर थार डेजर्ट को पूरी तरीके से सोलर पैनल से कवर करने की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर क्या क्या मेट्रिक्स हमें देखने मिलेंगे, कितनी ज्यादा एनर्जी वहां से जनरेट हो सकती है, कितना खर्च आ सकता है ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बनने के बाद में कितना एरिया ये लेगा, ऐसे कई सारी दूसरी चीजें पहले सेक्शन में हम जानेंगे। दूसरे सेक्शन में हम इसकी प्रैक्टिकलिटी और फिजिबिलिटी पर बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल भी है या फिर नहीं। तो बात करते हैं पहले सिनेरियो के बारे में। थार डेजर्ट का कुल एरिया 238,254 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो ऑब्वियसली एक बहुत बहुत बड़ा चंक बनता है एरिया का। इसके अंदर ज्यादातर जो एरियाज है वो इनहैबिटेड है, वहां पे ज्यादा कोई रहता नहीं है, ना कोई एनिमल्स का यहाँ पर हैबिटेट है। ऑब्वियसली कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ रोड्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको ह्यूमन पॉपुलेशन देखने मिलेगी, छोटे टाउन्स देखने मिलेंगे, कुछ सिटीज भी देखने के लिए मिलेंगी, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी आपको अच्छी खासी देखने मिलती है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर लाइफ स्केर्स है। इसलिए अगर हम 85% ऑफ एरिया को भी कंसिडर करें सोलर पैनल से ढकने के लिए तो एक अच्छा खासा एरिया हमारे पास में बच जाता है। और ये जो 85% का भी मैं नंबर ले रहा हूँ ये एक बहुत बहुत बड़े मार्जिन के साथ में लिया गया है। अगर इस 85% को कंसिडर करते हैं तो टोटल एकर्स में 5,88,73,845.6 एकर्स जमीन हमारे पास में बचती है जिसे सोलर पैनल से हम कवर कर सकते हैं। अगर एक नॉर्मल 7 feet by 4 feet के सोलर पैनल को भी हम कंसिडर करें जो एक जनरल साइज होता है तो ऐसे पूरे एरिया को कवर करने के लिए 908 करोड़ सोलर पैनल्स की जरूरत पड़ेगी, जो आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सफाइस नहीं कर सकती है, चाहे हम पूरे के पूरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ और सिर्फ थार डेजर्ट के अंदर सोलर पैनल्स बनाने के लिए डाइवर्ट क्यों ना पड़े। इतने अमाउंट में सोलर पैनल्स बनाने के लिए कई सारे सालों की जरूरत पड़ेगी आज के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ में। फिर से अगर अज्यूम कर ले कि इतने पैनल्स हमें मिल गए, उन्हें लगाने में हम सक्सेसफुल रहे तो कितनी बिजली बनेगी? थार के 85% को अगर कवर कर दे सोलर पैनल से तो अगर आज के डेट में सोलर पैनल्स जो एक एवरेज एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से भी अगर बात करें तो 8 से लेकर 10 वाट भी अगर हम एक स्क्वायर फीट में से निकाल पा रहे हैं तो 129 लाख मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम थार डेजर्ट में से बना सकते हैं। फनी बात यह है कि इंडिया के अंदर आज के डेट में सिर्फ 3.5 लाख मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, यानी करेंटली पूरे के पूरे इंडिया की जो बिजली की डिमांड है उससे एटलीस्ट 36 टाइम्स ज्यादा बिजली हम सिर्फ और सिर्फ थार डेजर्ट में से बना सकते हैं सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हुए। या अब तक जो भी सारी चीजें मैंने कही ये अज्यूम चीज है, डेटा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है और रियलिटी में ये चीज होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर इसके आगे भी हम चीजें अज्यूम कर दें कि ये सारी बिजली इंडिया अगर बेचने में सक्सेसफुल रहता है अपने डिमांड्स को पूरा करने के बाद में, तो वो चीज इंडिया के फाइनेंसिस के लिए कैसे नजर आती है? अगर आसपास के देश की हम बात करें, अगर हम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन सारे देशों की पूरी बिजली की डिमांड को भी कवर करे तो भी हमारे पास में बहुत ज्यादा सफाइस बिजली बचेगी। इनफैक्ट पूरे के पूरे दुनिया की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है वो सिर्फ थार डेजर्ट पूरा कर सकता है। लेकिन अगर अज्यूम करे कि ये पूरी की पूरी बिजली हम बेच पाएंगे तो सिर्फ 2 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से भी बिजली अगर बेची जाती है तो इंडिया $41 बिलियन डेली के बेसिस पर रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये नंबर 312 लाख करोड़ रुपीज से भी ज्यादा निकल कर आता है, जो कि हमारे देश के पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो फाइनेंसिस देखे जाते हैं उसके हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और जीडीपी के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है वो डायरेक्टली बिजली बन जाएगा अगर ऐसा कोई सिनेरियो फ्यूचर में रियलिटी में सामने निकल कर आता है। लेकिन इसके पहले हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया के पावर फाइनेंसेस फिलहाल बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा किसी डिपार्टमेंट के पास में पब्लिक का रेवेन्यू लेना अगर बाकी है तो वो है हमारे देश का पावर डिपार्टमेंट। आज के ही डेट में 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अमाउंट ऐसे निकल कर आती है देश के अलग अलग डिस्कॉम या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जो लोगों के न भरे हुए बिल की वजह से बकाया है। और आज के डेट में गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा लोड है कि ये सारी की सारी अमाउंट वो रिकवर कर पाए,
क्योंकि पहले से ये अमाउंट ठीक से फाइनेंस की नहीं गई। तो ऐसा कोई सिनेरियो अगर सामने भी आता है तो उस समय पर फाइनेंसेस को ठीक से और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली आजकल हम सब अपने सारे कमाए हुए पैसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने फाइनेंसेस को ठीक से संभालते हैं। कभी कभी ये चीज कंफ्यूजिंग भी बन सकती है, स्टॉक्स कहीं और, म्यूचुअल फंड्स कहीं और, कहीं पर इंश्योरेंस, कहीं पर FD, कहीं पर अलग सेविंग्स अकाउंट, कहीं पर कुछ और। एक टाइम ऐसा था मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे सारे पैसे एक्चुअल में है कहां पे, कहां पर किसकी डेडलाइन खत्म हो रही है, कब प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ, कब किसी अकाउंट की ड्यू डेट आ रही है, कब कोई बिल भरना है, किसी चीज के बारे में ठीक से नोट नहीं रख पाता था। और इन दी एंड सारे फाइनेंसेस को संभालने के लिए नोटबुक्स, एक्सेल शीट्स और बस रोट मेमोरी के जरिए मुझे सब कुछ चलाना पड़ रहा था, क्योंकि कोई टेक्स सॉल्यूशन उस समय पर अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज की डेट में ये सारी चीजें बदल रही है। INDIE मनी आजकल की डेट में जो सारी टेक्नोलॉजी है उसके जरिए चीजों को कन्वीनियंट कर रही है। एक ऐप जो मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और जो आप सबको रिकमेंड करूंगा, INDIE मनी एक सुपर मनी ऐप है। INDIE मनी पर आप अपने सारे लोन्स, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, FDs हो, बॉन्ड्स हो और कोई भी दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट हो, सारी की सारी चीजें एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, आपकी एक्चुअल नेटवर्थ आज के डेट में क्या है, आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को मिलाते हुए वो चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो। चाहे तो म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो या फ्यूचर के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कर सकते हो। इसके लिए INDIE मनी आपको प्रॉपरली गाइड भी कर सकता है आपके गोल्स अचीव करने के लिए। INDIE मनी आपको डेली बेसिस पर एक एडवाइजर भी सेंड करते हैं और बताते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका मैंने भी काफी ज्यादा फायदा उठाया है। और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में ऐसी है कि आप इंडिया में बैठे बैठे जीरो कमीशन और जीरो ब्रोकरेज के साथ में US के स्टॉक्स में इस ऐप के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एप्पल, टेस्ला, गूगल, इन जैसे कंपनीज के फ्रैक्शनल स्टॉक्स भी इस एप्लीकेशन के जरिए आप खरीद सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको INDIE मनी में बिल्कुल फ्री में मिलेंगे और इस ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हो और आपके ये काफी ज्यादा काम में आ सकता है। वैसे ये ऐप जो है ये GoIBIBO और Redbus के फाउंडर मिस्टर आशीष कश्यप के द्वारा फाउंड किया गया है और INDIE मनी बिल्कुल सेफ है, सेबी पर ये रजिस्टर्ड है और गूगल के सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशप फॉक्स ने भी इसे सर्टिफाई किया है। तो ये ऐप आपकी इन्वेस्टमेंट्स को और आपके पैसों को सबसे ज्यादा सेफ तरीके से स्टोर कर सकता है। इस ऐप के अंदर इतने सारे फीचर्स है कि मैं भी एक शॉर्ट वीडियो में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप जरूर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपकी फाइनेंशियल जर्नी इस ऐप को यूज करते हुए जरूर ट्रांसफॉर्म होगी। तो अब ये तो समझ गए होंगे कि अगर हम पूरे के पूरे थार को सोलर पैनल से कवर करेंगे तो पूरे भारत को जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा बिजली हम बना लेंगे। लेकिन इसके भी बावजूद गवर्नमेंट ये चीज क्यों नहीं कर दी, अब इसके बारे में समझना शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल से, या बेसिकली कहते हैं सोलर एनर्जी के एफिशिएंसी रिलेटेड। सोलर एनर्जी को लाइट की जरूरत होती है, हीट की नहीं। थार डेजर्ट जो है वहां पे ऑब्वियसली लाइट बहुत सारी है, लेकिन लाइट के साथ साथ हीट भी बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा सोलर पैनल्स हीट होते हैं उतने वो इनइफेक्टिव या फिर आप कह सकते हो इनएफिशिएंट बनते हैं। एक बार टेम्परेचर जो है अगर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है या उसके ऊपर जाना शुरू कर देता है तो उसके बाद में जो एक सोलर पैनल की पीक एफिशिएंसी होती है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होना शुरू होती है और उसके बाद में बहुत ज्यादा लाइट और हीट होने के बावजूद भी वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाता। थार करेंटली जो हॉट वाला सिनेरियो है उसके वजह से एक आइडियल लोकेशन नहीं बनता है सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ पर हीट इतनी ज्यादा है कि सोलर पैनल्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी। दूसरी जो दिक्कत आती है एफिशिएंसी के साथ में थार डेजर्ट में वो है सैंड या डस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो। सोलर पैनल्स अगर आपके घर में इंस्टॉल्ड है, अगर आपने कहीं पर अपने ऑफिस वगैरह में भी इंस्टॉल देखे, स्कूल में इंस्टॉल देखे, तो आप जानते हो कि इन्हें रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर इन्हें साफ नहीं किया जाए तो एक्चुअल में जो लाइट है वो हिट नहीं कर पाएगी उन सोलर मॉड्यूल्स को और इसका जैसे उनकी एफिशिएंसी कम होती है और अगर वो पूरी तरीके से डस्ट या सैंड से कवर हो जाए तो वो काइंड ऑफ यूजलेस भी बन जाते हैं। इसके वजह से कई बार जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर कॉन्स्टेंटली इनफैक्ट डेली बेसिस पर क्लीनिंग की जाती है और थार जैसी जगह जहां पर कॉन्स्टेंट सैंड स्टॉर्म्स होते हैं, काफी ज्यादा हवा होती है जिसके अंदर डस्ट उड़ती है, तो ऐसे सिचुएशन में इन पैनल्स को क्लीन कर पाना एक और ज्यादा डिफिकल्ट टास्क बनता है और स्पेशली जहां पर पानी की कमी है वहां पर ये चीज और डिफिकल्ट बन जाएगी, जिसकी वजह से थार फिर से एक अच्छा लोकेशन नहीं बनता है कोई बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए। अब दूसरे एक बहुत ही ज्यादा बड़े फैक्टर पर बात करते हैं कि क्यों ना सिर्फ थार लेकिन दुनिया भर के जो सारे बड़े डेजर्ट्स है वहां पर कोई भी गवर्नमेंट ऐसे बड़े सोलर स्टेशंस क्यों नहीं बना रही, और ये रीजन है मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस का। अगर आप कभी राजस्थान गए हो, कोई भी डेजर्ट में गए हो, तो आपने वहां पे ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पर बादल या तो नहीं नजर आते या फिर बहुत बहुत कम नजर आते हैं। रेगिस्तान जाने जाते हैं उनकी क्लियर ब्लू स्काइज के लिए और क्लाउड फॉर्मेशन वहां पर होता नहीं है।
अब समझते हैं कि ये क्यों होता है और सोलर पैनल्स का इसके अंदर क्या रोल। जब जमीन गर्म होती है या किसी एरिया का ओवरऑल टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो लोअर सरफेस लेवल पे जो हवा होती है वो भी गर्म होना शुरू होती है। आप सब जानते हो कि गर्म हवा कंपैरेटिवली ठंडी हवा से ज्यादा हल्की होती है, जिसके वजह से वो ऊपर के डायरेक्शन में रेज होना शुरू होती है। राजस्थान में थार डेजर्ट में भी यही सर्कुलेशन होते रहता है, जहां पर नीचे ठंडी हवा आती है वो गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर रेज करती है। इसकी वजह से जो जनरल ऊपरी टेम्परेचर है थार डेजर्ट का वो बाकी सारे रीजन से ज्यादा है। इसका जैसे होता यह है कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है, जो भाप होती है, वो ज्यादा गर्म टेम्परेचर की वजह से क्लंप नहीं हो पाती और इसकी वजह से बादल नहीं बनते। ये दूर दूर ही रहते हैं, छोटे फॉर्मेशन में रहते हैं और ये पूरी तरीके से आगे निकल जाती है और अगले स्टेट्स में जाकर बाद में बादल बनती है। अब यहाँ पर होगा ये कि अगर हम डिसाइड करते हैं कि राजस्थान के पूरे डेजर्ट के अंदर हम सोलर पैनल्स लगा दें तो जो नीचे की जमीन है उस पर छाव गिरना शुरू होगी। छाव होने की वजह से नीचे का लैंड टेम्परेचर कम होगा और ऊपरी हवा को हीट करने में वो इनकेपेबल हो जाएगी। अगर ऊपरी हवा हीट नहीं होगी तो वो जितना चाहिए उतना ऊपर राइज नहीं हो पाएगी। इसके वजह से जो वाटर वेपर का लेवल होता है इन टर्म्स ऑफ हाइट, वहाँ पर ज्यादा ठंडा क्लाइमेट हमें देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर ज्यादा ठंडा क्लाइमेट होगा तो यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होंगे, जो वेपर होगा वो क्लंप होकर बादल बनेंगे और इसके वजह से थार में बारिश भी होना शुरू हो सकती है। और इनफैक्ट अगर 10 से 15 साल ये चीज रिपीट होती है तो थार का जो पूरा का पूरा क्लाइमेटिक साइकिल है वो चेंज हो जाएगा और आज के डेट के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होना शुरू होगी। अगर फिर से एक ऊपरी तरफ से देखें तो ऐसा नजर आता है कि यार ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर हमें पानी देखने के लिए मिलेगा, इसका जैसे वेजिटेशन फार्मिंग इन जैसे चीजों के लिए भी मदद हो सकती है, जो कि काफी अच्छा बाय प्रोडक्ट है रेगिस्तान में सोलर पैनल्स लगाने का। लेकिन हमारे पास में जो वाटर वेपर आ रहा है समुद्र में से वो लिमिटेड है। इसके वजह से होगा ये कि राजस्थान में तो बारिश गिरना शुरू हो जाएगी लेकिन ये कोई न्यू क्रिएटेड बारिश नहीं होगी, लेकिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कश्मीर साइड, सेंट्रल इंडिया, एमपी के कुछ भाग, इन सारे रीजन्स में जो बारिश होनी चाहिए थी वो होने लगी राजस्थान के ऊपर ही। और जो फर्टाइल जमीन है इन सारे स्टेट्स की, जहां पर बड़े पैमाने पर फार्मिंग होती है, वो बंजर बन जाएंगे, यहां पर ड्राउट्स होना शुरू हो जाएंगे। यही पर अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, चलो अगर इन स्टेट्स में वैसे बारिश नहीं हो रही है तो राजस्थान में हमने तो सिर्फ 85% कवरेज किया है, 15% अभी भी ओपन है, वहां पे लोग फार्मिंग कर सकते हैं, तो इसका जवाब भी नहीं है। राजस्थान के अंदर कोर्स सैंड मिलता है, यहां पर पानी रुकता नहीं है, वो नीचे सीप हो जाएगा इतने नीचे के लेवल तक कि प्लांट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, जो वीट है, राइस है, जो बेसिक खाने वाले प्लांट्स है, वो यहां पर हम ग्रो नहीं कर सकते। साथ साथ जो हजारों सालों से ये टेम्परेचर और क्लाइमेट रहा है, इसकी वजह से यहाँ की जमीन फर्टाइल नहीं है और राजस्थान, गुजरात, पंजाब जैसे स्टेट्स की रिकवरी राजस्थान में से नहीं हो पाएगी और ये एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक डिजास्टर होगा, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बनता है कि क्यों ऐसे प्रोजेक्ट्स को कभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी नहीं मिला है पूरे के पूरे दुनिया में। अब बात करते हैं अगले फैक्टर की, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे प्लांट के लिए। तो दोस्तों, ऐसा अगर कोई प्लांट बनाना है तो सिर्फ सोलर पैनल्स लगा देने से काम होता नहीं है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा ग्रिड बनाने की जरूरत पड़ेगी जो इस बिजली को पूरे इंडिया और बाद में पूरे दुनिया में भी पहुंचाने का काम कर सके। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जो स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, सारी चीजों को रैंप अप करने की जरूरत पड़ेगी और वो इंफ्रा ना इंडिया के पास में है ना किसी और देश के पास में। इसके अलावा अगर हम आज के डेट में जो सोलर पैनल्स का रेट चल रहा है पर किलोवाट, उसके हिसाब से भी कंपैरिजन करें तो ये जो अमाउंट आपको सामने नजर आ रही है, इतने रुपीस की हमें जरूरत पड़ेगी, जो हमारे जीडीपी से भी ज्यादा है। इनफैक्ट ये नंबर मैं पढ़ भी नहीं सकता। अगर हम थार डेजर्ट का सिर्फ 3% भी कवरेज कंसीडर करते हैं तो वो भी हमारे देश की नीड्स को सफाइस करने के लिए बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो भी प्रोबेबली होने नहीं वाला है। अब थोड़े और प्रैक्टिकल रीजंस के बारे में बात करते हैं क्यों ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। पहली बात, एक जगह पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी भी देश की है तो एक बहुत वो इजी टारगेट बन जाता है किसी भी वॉर के दौरान, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के दौरान। अगर हमारी तरफ से खुद से गलती से भी अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो एक सेंट्रलाइज पावर प्रोडक्शन यूनिट होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पूरे के पूरे देश को हो सकता है। कोई भी पावर जनरेशन कैपेसिटी सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए और पूरी तरीके से स्प्रेड आउट होनी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले कुछ पावर स्टेशन फेल हुए थे, जिसका जैसे ऑलमोस्ट आधा इंडिया डार्कनेस में चला गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कई सारे स्टेट जो है वो कुछ घंटों तक बिना बिजली के रह रहे थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि स्टेट लेवल के अंदर भी डिविजन किए जाएंगे ग्रिड्स के और कोई भी ग्रिड सेंट्रली कंट्रोल नहीं होगा, ताकि अगर एक सेक्शन ऑफ ग्रिड इफेक्ट होता है किसी भी क्लाइमेटिक डिजास्टर की वजह से, वॉर की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, तो उसका असर जो है बाकी एरियाज पर ना हो। और अगर थार डेजर्ट एक रीजन बनता है पूरे के पूरे एनर्जी जनरेशन के लिए तो ये एक बिल्कुल भी अच्छी
अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर से अगर इन कंक्लूजन कहे तो ना इतना पैसा जनरेट किया जा सकता है, क्लाइमेटिक डिजास्टर ये होगा, ना हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है पूरे दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, और ना इसका फाइनेंशियल सेंस बनता है अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचे तो। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड चीजें रखने की वजह से भी नुकसान हो सकता है, और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से फाइनली हम थार डेजर्ट के अंदर सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन नहीं करते उसके पूरे एरिया में, और ना सिर्फ थार लेकिन कई सारे डेजर्ट जो दुनिया भर में है वहां पर सोलर इंस्टॉलेशन करना एक प्रैक्टिकल बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा कि आईएनडी मनी जैसा एक बहुत बढ़िया ऐप आप अपने पूरे के पूरे फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप आज ही आईएनडी मनी डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे के सारे एसेट्स को, लायबिलिटीज को और कई सारी दूसरी चीजों को ट्रैक कर सकते हो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सुपर ऐप के जरिए। तो लिंक पर क्लिक करके आईएनडी मनी डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।